वेलकम टू नर्सिंगला। मैं पूछा आपके अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। फ्रेंड, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि जो भी मेंटल हेल्थ थे नर्सिंग की एक फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल है, उसे हम रिव्यू करने वाले हैं सीरीज वाइज, यानी कि सीरीज पूरी सीरीज आएगी इसकी वीडियोज़ की। तो जिसमें सबसे पहले हमारा आता है इंडेक्स। इंडेक्स हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है ओरिएंटेशन रिपोर्ट। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ओरिएंटेशन रिपोर्ट। ओरिएंटेशन रिपोर्ट में देखते हैं जरा कि माई सेल्फ पूजा, जैसे कि मेरा नाम पूजा है, देन जो भी जिसका नाम होगा वो अपना नाम डालेगा। स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी नर्सिंग, मेरा थर्ड ईयर में था मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो मैंने थर्ड ईयर लिखा हुआ है। आपका जो भी ईयर होगा, जो भी कोर्स होगा, उसका नाम लिख सकते हैं। इन दी जो भी मेरा कॉलेज है, जय प्रकाश शर्मा मेमोरियल स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग यमुनानगर। आई वॉज पोस्टेड इन सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर, यानी कि जहाँ पे मेरी पोस्टिंग लगी हुई थी। आपको जहाँ पे भी पोस्टिंग लगी हुई उसके हिसाब से आप इसमें हॉस्पिटल का नाम डाल सकते हैं। देन आता है हमारा हॉस्पिटल में फॉर आवर साइकेट्रिक पोस्टिंग, हमारी जो भी साइकेट्रिक पोस्टिंग है उसके लिए हमारी जो भी जिस भी हॉस्पिटल में पोस्टिंग लगी हुई थी। अवर साइकेट्रिक इंचार्ज मैम गाइड अस एंड इंट्रोड्यूस अबाउट हॉस्पिटल, यानी कि हमारे जो भी इंचार्ज, यहाँ पे हम इंचार्ज का नेम भी डाल सकते हैं कि हमारे ये नेम थे, उनका ये पोस्ट है, वो चीज़ भी हम इसमें ऑरिएंटेशन रिपोर्ट में डाल सकते हैं कि हमें उन्होंने गाइड किया एंड हमें इंट्रोड्यूस करवाया हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल के एनवायरमेंट से, वो चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। देन देखेंगे हम वी एंटर्ड, तो देखेंगे फ्रेंड्स हमारा जो भी ओरिएंटेशन रिपोर्ट, हम स्टार्ट करते हैं। वी एंटर द हॉस्पिटल एट 9 AM, यानी कि हम हॉस्पिटल में 9 AM पर चले जाते हैं। एंड मिस तानिया मैम एंड हेड साइकेट्रिक नर्स गिव स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अबाउट ड्यूटी एंड साइकेट्रिक पेशेंट, यानी कि जो भी आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, जो भी वहाँ की हेड नर्स आपको इंस्ट्रक्शन देगी कि आपको ये काम कर सकते हो, आप ये काम नहीं कर सकते, इस पेशेंट के पास जा सकते हो, इस पेशेंट के पास नहीं जा सकते, इनकी जो भी इंस्ट्रक्शन देती हैं उसे आपने यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी हैं एंड ड्यूटी के बारे में, कब आना है, कब जाना है, कौन से वार्ड में कितना टाइम रहना है, ये सब चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन वहीं पर मिलती है, तो उस चीज़ को भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड साइकेट्रिक पेशेंट जो भी है, यहाँ पे क्या इन्होंने बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा हॉस्पिटल के वार्ड्स के बारे में बताया कि देयर आर 7 वार्ड्स, यहाँ पे 7 वार्ड्स हैं। एक्यूट मेल वार्ड, क्रॉनिक मेल वार्ड, एक्यूट फीमेल वार्ड, क्रॉनिक फीमेल वार्ड, इंटरमीडिएट मेल वार्ड, इंटरमीडिएट फीमेल वार्ड, फोरेंसिक वार्ड, ऑल वार्ड्स आर वेल वेंटिलेटेड एंड क्लीन, देयर आर स्मॉल किचन फॉर पेशेंट, यानी कि ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें हॉस्पिटल के बारे में बताएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ओरिएंटेशन रिपोर्ट। तो इसके ऊपर एक फर्स्ट पेज भी लगता है जो कि प्रिंट होके आता है, जिस पर हम पूरा का पूरा जैसे असाइनमेंट के ऊपर लगाते हैं, इस तरीके से हम इस पर भी लगाते हैं और उसमें वहाँ पे लिखते हैं ओरिएंटेशन रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।